यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कुंड से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रतापगढ़ से राजा भैया के नेतृत्व में जनसेवा संकल्प यात्रा का आगाज हो गया है। प्रतापगढ़ से शुरू हुई जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की जनसेवा संकल्प यात्रा सुल्तानपुर पहुंची, जहां राजा भैया के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राजा भैया ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कभी मेरा विरोध नहीं किया है, बल्कि उनका हमेशा मेरे साथ सहयोग बना रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी बात कल्याण सिंह और उनको लेकर फैलाई गई है वो सिर्फ अफवाह है, उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग दिया है। आपने आदरणीय कल्याण सिंह जी का नाम लिया और ये बात फुल्ली और फाइनली हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि राजनीति के किसी भी मोड़ पे कभी भी उन्होंने हमारा विरोध नहीं किया। एक भ्रांति है कि साहब वो आए थे तो कुंडा में उन्होंने कहा कि गुंडा विहीन कुंडा करो, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लेकिन अगर कहीं होगी उसकी रिकॉर्डिंग तो आप देखें, कभी कोई ऐसा शब्द ही नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और उनका स्नेह, अब वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उनका स्नेह बराबर मिलता रहा उनको। पहली बार मंत्रिमंडल में उन्होंने ही अवसर दिया और अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बने और सम्मान दिए। तो ये एक भ्रम पता नहीं कहाँ से पैदा हुआ कि साहब उन्होंने विरोध किया, जबकि उनका स्नेह उनका आशीर्वाद सदैव रहता। विधायक राजा भैया से जब दूसरे दलों के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी अपनी पार्टी संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अभी किसी भी दल या नेता से कोई गठबंधन की बात नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव उन्हीं सीटों पर लड़ा जाएगा जहां पार्टी मजबूत स्थिति में होगी। देश ही नहीं, पूरा विश्व कोविड की चपेट में आया और दो चरण में कोविड की त्रासदी हम लोगों ने देखी। इस दौरान जनसभाएं करना, रैलियां करना, निकलना ये संभव नहीं था। अब क्योंकि उस महामारी से निजात मिली है, लॉकडाउन समाप्त हुआ है, इसलिए जनसत्ता दल के विस्तार के लिए, कार्यकर्ताओं से संपर्क करने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए दौरे आरंभ किए गए हैं। इसमें शुभारंभ इस दौरे का अयोध्या से किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 में उसको लेकर क्या रणनीति है, क्या गठबंधन किसी पार्टी से करेंगे? अभी हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और अयोध्या होगा। अभी हमारी प्राथमिकता है पार्टी की इकाइयों को सक्रिय करना, उनकी यूनिट को सक्रिय करना। गठबंधन पे जो प्रश्न आपने पूछा, जैसे ही कोई बात होगी किसी भी दल से तो आप लोगों को अवश्य अवगत कराएंगे। फिलहाल किसी भी दल से, किसी भी राजनेता से इस विषय में कोई वार्ता नहीं। पार्टी प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? पार्टी जितने पे लड़ेगी, जीतने के लिए लड़ेगी। जहां प्रत्याशियों की मजबूत स्थिति होगी वहां पे लड़ेगी। और हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 से अधिक सीटें अभी हमारी नज़र में ऐसी हैं जहाँ जनसत्ता दल के कार्यकर्ता सक्रिय होकर के पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हैं और वहाँ अपने जनसत्ता दल के प्रत्याशी मजबूत स्थिति। आपको बता दें कि राजा भैया की पार्टी ने जनसेवा संकल्प यात्रा शुरू की है, जिसे 2022 के चुनावी अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। ये यात्रा कुंडा से शुरू होकर अयोध्या में समाप्त होगी। सुल्तानपुर से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।